जो हमारे सियासी जमातों के अंदर भी शुरफा अभी भी मौजूद हैं, इनफरादी तौर पे मौजूद हैं, तो लेकिन उसके बावजूद स्पोक पर्सन तर्जुमान ऐसे शख्स को रखा जाता है जो माशरे में आम ज़्यादा बदजुबान मशहूर है, तो सियासी जमातों में उनके सही असरात कम हैं या वो अभी मुअसर नहीं है इतने कि इस तरह की चीज़ों को रोक सके अपनी पार्टी मीटिंग्स में, जमातों की मीटिंग्स में? माहौल खराब हुआ है, लेकिन साथ साथ मैं ये महसूस करता हूं जी कि ऊपर की सतह के ऊपर एक एहसास उजागर हो रहा है कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है और इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सही इसके इसके मयार को गिरने नहीं देना चाहिए, उसका नुकसान ही नुकसान है, उसका फायदा कोई भी नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत नवाजी, सलामत रहिए। राजा जफर लख साहब ने माशाल्लाह जी, पाकिस्तान की सियासत राजा में एक मोतबर पाकिस्तान की नाम है। सियासत में कितना बड़ा नाम है, इनका शराफत का नाम है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन भी हैं। राजा जफरुल्लाह की शराफत जो है जी ये एक इनका नाम और इनके काम जो है आज भी लोग जो है ना उसको मिसाल के तौर पे पेश करते हैं। जिस तरह पहले हमारे वो बाबा सियासत हैं नसरुल्लाह साहब, जी नवाबजादा नसरुल्लाह नवाबजादा खान साहब, नसरुल्लाह साहब, उनका एक नाम था, तो आजकल के दौर में राजा जफर साहब का एक नाम है, जिनकी सही, शराफत का सियासत में भी हर चीज़ सब में भी रिस्पेक्ट करते हैं, सब सब उनकी इज्जत इज्जत करते एहतराम हैं। देते हैं। जी